मंगलवार को राज्यसभा में बॉक्सर और सांसद मैरीकॉम ने खिलाड़ियों की खराब डाइट का मुद्दा उठाया। मैरीकॉम ने कहा कि खिलाड़ियों को अच्छी डाइट नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैच के वक्त ही खिलाड़ियों को सही डाइट मिलती है, ट्रेनिंग सेशन के वक्त उन्हें सही तरीके से डाइट नहीं मिलती। Respected Chairman, sir, this is a privilege to speak in front of all the honorable MP. Sir, first of all, I would like to wish all the Indian contingent for Rio. My best wishes is always with them. Sir, what are the plan of the government to increase the budget and promote Olympic sports? Sir, since I was playing in international and Olympics, Asian Games, we are facing a lot of difficulties like training facility and also the diet. Actually, sir, whichever giving us the diet, it's not come in exact time. After we went for the competition, we participate for the competition. On that time only it's come. During the training session, it's not come all the diets and all. So I just want to give that idea and how can we give the our budget and the promotion in the Olympic game. Thank you, sir. Please. मैरीकॉम के सवाल पर खेल मंत्री विजय गोयल ने जवाब दिया और कहा कि हमें बजट बढ़ाने की जरूरत है। गोयल ने साथ ही कहा कि जो खिलाड़ी रियो ओलंपिक जा रहे हैं उन सभी को अच्छी डाइट दी गई है। मैरीकॉम ने ओलंपिक जाने वाले भारतीय दल को अपनी शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि खिलाड़ियों की डाइट और उनके आम खान पान को लेकर गंभीरता का अभाव नरसिंह यादव से जुड़े मामले में भी सामने ला दिया है। खिलाड़ी जो खाते हैं उसे लेकर व्यवस्था कितनी सजग है, इसका जीता जागता नमूना नरसिंह के मामले में बताया गया। अब मैरीकॉम ने खराब डाइट की बात कहकर इसके एक और पहलू को उजागर करने का काम किया है।